कोरोना संकट काल में जहां एक ओर अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों में ही रह रहे हैं, वहीं कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी उपमंडल का एक युवक मानवता का परिचय देता हुआ सबकी दुआएं ले रहा है। ज्वालामुखी उपमंडल के बडोली का रहने वाला बिठुल ने एक बार फिर बेजुबान की जान बचाकर जिला कांगड़ा एसपी विमुक्त रंजन से सैल्यूट पाया है। इससे पहले भी बिठुल एक बेजुबान आवारा कुत्ते की जान बचाकर एसपी से शाबाशी प्राप्त कर चुका है। उनका सेवा भाव अब उन्हें और मजबूत बनाता जा रहा है। बिठुल ने बताया कि भड़ोली में अपने घर के समीप खेतों में लगभग 15 दिन के छोटे से गाय के बछड़े को जख्मी हालत में देखा, जो कि मौत की कगार पर था। इस आवारा बछड़े को उसकी माँ से अलग कर दिया गया था और अकेले इस बछड़े की चारों टांगों को आवारा कुत्तों द्वारा बुरी तरह नोच कर उसे जख्मी कर दिया गया था। अगर इस बछड़े का इलाज नहीं होता तो इसकी जान जा सकती थी। बिठुल ने इस बछड़े को अपने भाई अजय की मदद से गोद में उठाकर किसी तरह से अपने घर लाया। पूरे परिवार ने इस बछड़े को सेवा की और प्राथमिक उपचार भी किया, लेकिन बछड़े की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और उसके पांव बुरी तरह जख्मी थे और सड़ने लगे थे। इसके बाद इस परिवार ने रात को ही एक पशु चिकित्सक को बुलाकर इसकी देखरेख कराई और बछड़े की चारों टांगों को डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करके बचाने का विकल्प दिया गया। तब बिठुल ने कोरोना संकट के दौर में कांगड़ा जिला के पास एसपी विमुख से उनके मोबाइल पर संपर्क किया तथा पूरी बात सुनाई। एसपी ने ज्वालामुखी के डीएसपी तिलकराज को पालमपुर वेटनरी हॉस्पिटल जाने में मदद करने को कहा। बिठुल ने कहा कहना है कि किसी तरह से एक निजी वाहन करके उन्होंने बछड़े को ऑपरेशन के लिए कांगड़ा पुलिस की मदद से पालमपुर पहुंचाया। पालमपुर में बछड़े के 4 घंटे के बाद सफल ऑपरेशन हुआ। इसके बाद बिठुल बछड़े को अपने घर ले आया है। मेरा नाम बिठुल है, मेरा नाम अजय है। और क्या बोलते हैं, पिछले कल रात को हमें घर के पास है ये स्टे गाय का बच्चा है जो हमें मिला था, तो इसको कुत्ते ने खाया हुआ था। तो मैं और भैया इसको अपने घर ले आए, तो वहाँ पे हमने इसको फर्स्ट एड दी, तो उसकी चारों टांगे ना कुत्ते ने खाई हुई थी। तो वहाँ पे उसको ना कीड़े कूड़े पड़े थे, तो फर्स्ट एड तो हमने दे दी। फिर कल सुबह भैया और मैं बोलते कि उसको ले जाएंगे, फिर हमने गाड़ी हाई करी। फिर भैया और मैं उसको, अब प्रॉब्लम ये थी कि लॉकडाउन था तो हम जाए कैसे, तो उन्होंने हमने हमारे जिला के एसपी श्री विमुक्त रंजन सर उनसे बात करी, तो उन्होंने सर ने मेरे को कोऑपरेट कर दिया कि हम आपके साथ डीएसपी का भी करेंगे। नाम लिया था उन्होंने। हाँ जी, तो डीएसपी सर हमारे जो उनके नाम तिलकराज जी, उन्होंने मेरे को जहाँ पे पुलिस बैरी रोक रही है वहाँ पे सर से मैं बात करवा ले रहा था। तो फिर हम बैठे से पालमपुर चले गए। और वहाँ पे हमें त्यागी सर हैं, वहाँ पे डॉक्टर त्यागी सीनियर हैं वहाँ पे डायरेक्टर, तो उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की और वहाँ के डॉक्टर्स ने काफ़ी हेल्प की। पालमपुर जो वेटनरी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इसका 2 घंटे की सर्जरी हुई है और उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया है वहाँ से। और उन्होंने कहा है कि शायद ये जो काफ है ये विदिन 15 और 20 डेज में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा रहा है हमारी जर्नी, तो बस ऐसा।